हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुदीप टीजीएफ और मैं हूँ सुदीप। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक गार्डनिंग के ऊपर वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। डालिया फ्लावर को सब लोग ही जानता है, जो गार्डनिंग में शौकीन है उसको तो अच्छी तरह से पता है डालिया फ्लावर के बारे में। हर साल विंटर सीजन में मेनली सर्दियों के शुरू में डालिया प्लांट की पौधा जमीन में और पॉट में लगाया जाता है। सर्दियों के मौसम में जो जो फ्लावर से गार्डन या आपका टेरेस भरा रहता है उसमें डालिया एक नंबर में जाना जाता है, क्योंकि डालिया फ्लावर प्लांट बहुत ही कम चर्चा में ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। बट दिन पे दिन डालिया प्लांट की छोटा पौधों की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। पहले 2 से 3 रुपये में मिलता था, वही प्लांट अभी मिनिमम 10 रुपये देना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप पुरानी डालिया प्लांट एंड उसकी बाब से कैसे नया डालिया प्लांट की पौधा बना सकती हो उसकी बारे में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ओके कीजिए। इसमें चैनल की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहेगा। सर्दियों की मौसम जब खत्म होंगे और डालिया की फ्लावरिंग धीरे धीरे बंद एंड फूल छोटा हो जाएंगे, तब डालिया फूल की पौधा को जमी या पॉट से उठा लीजिए और पौधा के नीचे जो आपको बाब दिखाई देंगी उसको 4 से 5 इंची ऊपर से काट के डालिया प्लांट की बैलेंस पार्ट को अलग कर दीजिए। नेक्स्ट, कोई मिट्टी के पॉट और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वाला दूसरी कोई पॉट में बाल्ब सह काटिंग लगा के मिट्टी भर दीजिए। धीरे धीरे पानी एंड पॉट को हल्का धूप में रखिए। कुछ दिन बाद आपको नई रूट्स दिखाई देंगे बाल्ब की ऊपर वाला 4-5 इंच हिस्सा में। नेक्स्ट सीजन के शुरू में इस पॉट से काटिंग कलेक्ट करके रूटेक्स और काटिंग एड नाम के रूटिंग पाउडर और लिक्विड लगा के बालू में बैठा दीजिए। 2 रोज अंतर पानी दीजिए। 15 से 20 दिन बाद काटिंग से जोड़े बाहर होंगे तो जमी या पॉट में डायरेक्ट रोपण कीजिए। दूसरी प्रोसेस है पुरानी डालिया प्लांट की बाल्ब अलग से कागज में मोड़ के और प्लेन बालू में रख के नेक्स्ट ईयर विंटर से पहले पॉटिंग और डायरेक्ट जमी में रोपिए। इससे भी कुछ दिन बाद जोड़े निकलेंगे एंड नई ब्रांच भी। देन सेम प्रोसेस में काटिंग कलेक्ट करके छोटा पौधा तैयार कीजिए। पॉट में जो पुरानी डालिया प्लांट है उसकी सूखा हुआ फूल और ब्रांचेस काट दीजिए एंड हल्का धूप में रख के पानी देते रहिए। नेक्स्ट विंटर सीजन के शुरू में इस डालिया प्लांट से भी पहले की तरह काटिंग कलेक्ट कीजिए एंड डालिया की छोटा पौधा तैयार कीजिए। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल का नया व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन ओके कीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सुदीप पीजीएफ चैनल को इंस्पायर करता है नेक्स्ट वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने में।